आता है कि वो खेलेंगे कैसे डेडली. इस गुन डीप इन द साइड, पहला पिक मिलेगा, दूसरा पिक मिलेगा डेडली को. ऐसे गेम प्ले दिखाने हैं, खुद को पीछे लेकर के आएंगे, टीम को एक अच्छी पोजीशन में डाल चुके हैं ऑलरेडी विद अ गुड 5 vs 3. नाउ इट कम्स डाउन टू रॉकवेल, एम बैटल वर्सेस एम बैटल. हेडिंग हुआ था उसके आगे कुछ नहीं, लेकिन यहां पर हो जाएगा. इनफैक्ट और प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते थे, लेकिन रेकनिंग इज डूइंग हर्ट. मैं तो अभी नोटिस कर रहा है, जाना है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है. एक बार फिर से देंगे. इनफैक्ट आपको पता है बुलडॉग एक अच्छा वेपन बन जाता है, लेकिन बुलडॉग वर्सेस शरीफ एजीज के बारे में शायद उनको पता नहीं है. लाबन गलत दिशा में देख रहे हैं, उनके लिए सही दिशा है क्योंकि स्पाइक उनके उधर है, लेकिन एक शॉट लगेगा सिर्फ एंड डिजीज की तरफ से. वाइन बुक रहे हैं, लेकिन वाइन का एरिया चेक नहीं किया है. क्रैट वाइन का एरिया चेक ना करना खराब कर सकता है चीजें. वेल वो खराब करेगा भी, स्पाइक बाहर नहीं और बाहर ही रह गई. वेल डेडली यू कैन नॉट करना, पोस्ट प्लांट पे भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला. जैसे ही क्रॉस करेंगे चीज इधर से पहले बन गई, गलती हो सकती थी. स्पाइक ए साइड के बाहर है. रॉफ्यूल 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 करेंगे क्या अभी? वन एनिमी रिमेनिंग. एजीज इस अच्छी कोशिश कर 40 का डैमेज देता है. अब फ्लैबन के ऊपर आता है, भारी को पिक किया उन्होंने. ये का वो 10 एचपी पर भी कर सकते थे. क्या फ्लैबन ने गेम बना करके दिया साइड में. यूजिंग वेल एंड ही डस इट फॉर हिमसेल्फ. ये अल्टीमेट ए साइड पर जाना, टाइम निकालना. अब बचे हैं हर्ष, जिनके पास आखिरी एक्सपेंडर एम है. जी बिल्कुल है. पहले किसको पिक करेंगे या पहले कौन ने पिक करेगा? वो रेनिंग निकाल करके अपनी टीम को दिया था. चार हो गया है. वेल एंड ही हर्ष नीड्स टीम देखिए, लॉट ऑफ प्लेयर्स यहां पे जितने भी ओवर की करेंगे सबको प्रॉब्लम होगी. यहां पे हर्ष टीम को निकाला. ओ माय गॉड, टाइम गया, यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन. बट काफी ड्राइव पी करी मास्टर ने यहां पे. और टच लैग, ही इज सो प्रिसाइज, ही इज कंपनसेटिंग फॉर दैट ब्लंडर. 3v2 का सिचुएशन है यहां पर. डेडली विद दैट रेड स्टॉक. ओ कब तक टिक पाएंगे? ग्रेनेड बॉक्स स्पैम हो सकता है, बट टारगेट लगाकर होल्ड किया. वन एचपी. ओ माय गॉड एंटी टू दे लेकिन पे व्हाटएवर दे कैन व्हाटएवर टीम बॉल यहां पे काफी एग्रेशन दिखाया. और एक बॉल लास्ट राउंड के अंदर तो फिर भी बॉडीज गिरे. ट्रेड्स को लेने के लिए आए जरूर है, नंबर्स इवन हो चुके हैं. अगर ओजी अपने बोनस पर ये भी निकाल के तो सोचे कितना बड़ा झटका लगेगा. टेसरैक He was out there in the snake bite. He was vulnerable, but he never cared enough. ये वैंडल की बैटल कैसी रहेगी? वेल हर्ष निकाल लेंगे. तो बोनस राउंड हारे तो सही, निकालने की जज्बा रख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एक के ऊपर एक ट्रेड आया है. अजीज दो पिक्स उनकी तरफ से आ चुके हैं, बाकी दो तो पीछे से आ रहे हैं. उनकी इनकम शॉट भी मुझे कितनी शॉट भी आएगा. अजीज इनफैक्ट वो फिनिश कोशिश तो करी थी, उन्होंने डार्क कवर यूज करा, बट बोया एंड हर्ष ट्राइंग टू यूटिलाइज एवरी. वाओ, घूमते बी के पीछे आर्केड तक पहुंच चुके हैं. दूसरा पिक निकालने की भी कोशिश है, क्या वो कर पाएंगे ऐसा देखने वाली बात होगी. लेकिन वहीं पर उनका जो फेक था वो मापा जा चुका है. जो स्पाइक है वो गिर चुकी है. नंबर्स को खाली है. इट का ऑल कम्स डाउन टू वन मेंबर. ये केट क्या इंफॉर्मेशन डिनाय कर पाएगा? नहीं, एंटीडोट है जी. वेद उनको पता है, फोर्थ लाइन डालेंगे और वहीं पर एक खिलाड़ी को रखा जाएगा. रोलिंग थंडर का इस्तेमाल किया. डेस्परेशन, डेस्परेट टाइम्स आर कॉलिंग फॉर डेस्परेट मेजर्स. हर्ष इज आउट देयर. पिक करेंगे, उनको पिक किया जाएगा और वहीं पर एंटीडोट फाइनली चेंजिंग इट. नो लुक एट दैट, ये साइड पर खिलाड़ी, लेकिन वो एंटीडोट आर बी के. वेल इट्स ऑल डाउन टू बंद करके निकले हैं खिलाड़ी यहाँ पर. फ्लैबन सैपी, he knows it, he shot, yeah boy, he celebrated. It's जा चुका है एंटी. थोड़ी हिचकिचाहट छोड़ी है ट्राट में, इधर पिक करेंगे और फिर जरूर कर सकते हैं और यहीं पर राउंड अपना बनाने की कोशिश. आरबी के विल बी टेकन डाउन, बट वो अपना काम कर चुके हैं. व्हाट अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल हैज येलो कंटेनर के ऊपर चढ़ के स्नोमैन के सब प्लेयर्स को सुला दिया. 75 थोड़ा मुश्किल होता है लगता है. आगे सिनेरियोस क्या रहते हैं कि उसके प्लेयर्स को अपने नंबर पर लिया देते हैं. उसके ऊपर से देखा तो तरीके से पता, उसके वहीं पर एक एक करके अपने प्लेयर्स को पिक किया जा रहा है. हर्ष इज आउट देयर. ऊपर की साइड का पता है हेडिंग स्पाइक पिक किया जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या स्पाइक उठा करके प्लांट करना का. ड्रॉप इज आउट देयर, बट ही इज ऑल अलोन. दैट इंफॉर्मेशन, एक प्लेयर डेफिनेटली अब दिख जाएंगे. क्या किया जा सकता है? अगर गेम निकाल करके रखनी है. इट्स अ सेज. And the Saint does it! Rofuel does it! Curse is gone! As they go for themselves!